हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनत हसन एकेडमी में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के। जी हाँ, ये एमसीक्यू आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप यदि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के एमसीक्यू, और यदि आप थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की तो भी ये इंपॉर्टेंट हैं आपके थ्योरी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या पर्पस होता है। ऑप्शन ए, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और फाइल्स और एप्लीकेशन, फाइल और किसी एप्लीकेशन को शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। ऑप्शन बी, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर स्कैनर, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के, प्रिंटर स्कैनर वगैरह, उसको शेयर करना। ऑप्शन सी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिवाइसेस इन नेटवर्क फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन, जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हमारी डिवाइसेस होती हैं, दूसरे कंप्यूटर होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको कंट्रोल करना एक सेंट्रल लोकेशन से, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो हम जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं उसका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, उसे जितने भी अटैच डिवाइसेस हैं कंप्यूटर से उनको शेयर कर सकें, और साथ में आपको पता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे हमारा जो नेटवर्क है वो काम करता है, एक सेंट्रल कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों ही सही हैं, इसलिए इसका जवाब आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ स्मॉल एरिया लाइक अ रूम, बिल्डिंग और अ कैंपस। जी हाँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हमने पढ़े हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ हमसे जानना चाह रहे हैं कि इसमें से ये कौन सा नेटवर्क कहलाएगा जो कवर करेगा किसी पर्टिकुलर रूम को या पर्टिकुलर बिल्डिंग को या पर्टिकुलर कैंपस को। जो हम लैब वगैरह में नेटवर्क बनाते हैं वो किस कैटेगरी में आता है, क्या वो लैन की कैटेगरी में आएगा, क्या वो वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन की कैटेगरी में आएगा, क्या वो मैन की कैटेगरी में आएगा, या ऑल दी अबव। देखिए, जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है हमारा वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो पर्टिकुलर किसी रूम, बिल्डिंग या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए हम तैयार करते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो पूरी सिटी के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि हमारा केबल टीवी नेटवर्क। और फिर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो डिफरेंट कंट्रीज़ को, बड़े बड़े एरिया को कवर करता है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ट्रांसमिशन मीडिया इज इजी टू इंस्टॉल इनसाइड अ सिटी टू क्रिएट अ नेटवर्क क्विकली। यदि हमें सिटी में ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करना है नेटवर्किंग के लिए तो कौन सा मीडिया हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए, केबल मीडिया। ऑप्शन बी, फाइबर ऑप्टिक। ऑप्शन सी, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस, या ऑप्शन डी, ऑल। देखिए, सिटी में बहुत सारे हमारे जो हैं ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती और इंस्टॉल करने में भी आसानी होती है। तो ऑप्शन सी, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ट्रांसमिशन मीडिया दैट कैन कैरी ह्यूज डेटा टू लार्ज डिस्टेंसेस विथ लेस डिले और लेटेंसी। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये बहुत ध्यान से हमें देखना चाहिए एमसीक्यू अटेम्प्ट करते समय, क्योंकि यदि हम क्वेश्चन सही पढ़ेंगे तभी हम आंसर सही लगा पाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया दिए गए ट्रांसमिशन मीडिया में से हमें सिलेक्ट करना है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैरी कर सकता है, लार्ज डिस्टेंस तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसका टाइम भी मतलब लेस डिले होना चाहिए और लेस लेटेंसी, मतलब कम समय में लार्ज दूरी तक लार्ज डेटा को ले जाना है, तो कौन सा हम ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए, कोएक्सियल केबल। ऑप्शन बी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्शन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल।
ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। ट्रांसमिशन मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क का। अगर आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसको पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी अपने आने वाले वीडियो में। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो लार्ज डिस्टेंस तक लार्ज डेटा को ले जाया जाता है कम समय में, वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो इंस्टॉलेशन में तो बहुत दिक्कत देता है, लेकिन बहुत ही फास्ट इसकी स्पीड होती है। तो ऑप्शन बी ऑप्टिकल फाइबर केबल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट वैन एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ इज। हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी अर्थ पर सबसे बड़ा वैन कौन सा है, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, अर्पानेट या सोनेट। तो सभी को पता होगा इसका आंसर। जी हाँ, ऑप्शन बी इंटरनेट, जो हमारा हम डेली यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, वो सबसे बड़ा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन वैन नेटवर्क आर। कौन सी टेक्नोलॉजी वैन नेटवर्क में यूज़ होती है, ऑप्शन ए सोनेट, ऑप्शन बी फ्रेम रिले, ऑप्शन सी एटीएम या ऑल दी अबव। सोनेट, फ्रेम रिले, एटीएम, तीनों ही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वैन नेटवर्क में, तो हम लगाएंगे इसका ऑप्शन सही डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ हब एंड स्विच आर डैश डिवाइसेस। हब और स्विच कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क की डिवाइसेस, या फिर मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हब और स्विच का यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में। अगर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं हब और स्विच का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से हमको बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो ऑप्शन ए लैन, हब एंड स्विच आर लैन डिवाइसेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ वैन डिवाइस। इसमें से कौन सी वैन डिवाइस है, ब्रिज, राउटर, गेटवे, ऑल दी अबव। देखिए, तीनों ही जो स्विचिंग डिवाइसेस हैं पैकेट को राउट कर सकती हैं, स्विच कर सकती हैं, और ये वैन में यूज़ की जाती हैं। तो ब्रिज, राउटर, गेटवे, ऑल दी अबव जो हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है इज़ द राइट आंसर। तीनों ही डिवाइसेस जो हैं वो वैन डिवाइसेस कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हमारे सामने आया है। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल ऑफ नेटवर्किंग। हमने सबने पढ़ा है OSI रेफरेंस मॉडल, याद आया आपको, मैंने भी अपना वीडियो बनाया है OSI रेफरेंस मॉडल, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको पूरे लेयर के फंक्शन समझना है तो ज़रूर से उसे देखिएगा। हाउ मेनी लेयर, कितनी लेयर होती हैं OSI रेफरेंस मॉडल में, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। जी हाँ, आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन सी 7, 7 लेयर होती हैं हमारे OSI रेफरेंस मॉडल में। क्वेश्चन नंबर 10, अ नेटवर्क हब वर्क्स एट डैश लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर में हब काम करता है, ऑप्शन ए फिजिकल लेयर जो कि लेयर 1 कहलाती है, ऑप्शन बी डेटा लिंक लेयर जो कि लेयर 2 कहलाती है, ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर जो कि लेयर 3 कहलाती है, या ऑप्शन डी लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क हब स्विचिंग डिवाइस होती है, हब जो है वो लैन में यूज़ की जाती है, जो हमारे पैकेट्स आते हैं उनको डिफरेंट जो लैन से कनेक्टेड होते हैं हमारे कंप्यूटर उन तक पहुंचाती है, तो वो किस लेयर में यूज़ की जाती है। जी हाँ, हब जो है वो फिज़िकल लेयर में यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए फिज़िकल लेयर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ नेटवर्क स्विच वर्क्स मोर और लाइक अ हब एक्सेप्ट दैट इट। एक्चुअली यहाँ पर स्विच की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी गई है, नेटवर्क स्विच वर्क्स मोर लाइक अ हब एक्सेप्ट दैट इट डैश पैकेट टू डेस्टिनेशन डिवाइस एंड फिल्टर फॉरवर्डिंग टू रिमेनिंग पोर्ट और डिवाइसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हब और स्विच जो है वो लैन पर ऑपरेट होते हैं, लैन पर वर्क करते हैं। हब जो है उसमें कई सारे पोर्ट होते हैं जो हमारे डेटा को जो डिफरेंट नेट कंप्यूटर जुड़े होते हैं लैन पर, उस
पर कॉपी, एक ही डेटा को कॉपी करते हुए मतलब जितने भी पोर्ट हब में होंगे वो सारे कंप्यूटर पर दिखाई देगा उस जो भी पैकेट है, ठीक है। और जो स्विच है वो क्या करता है, फॉरवर्ड करता है हमारे पैकेट को और फिल्टर भी करता है, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो होगा फॉरवर्ड, ऑप्शन ए। हब सॉरी, अ नेटवर्क स्विच वर्क्स मोर और लाइक अ हब एक्सेप्ट दैट इट फॉरवर्ड्स पैकेट टू डेस्टिनेशन डिवाइस, फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को डेस्टिनेशन डिवाइस में, और फिल्टर फॉरवर्डिंग टू रिमेनिंग पोर्ट्स और डिवाइसेस, और फिल्टर भी करता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, अ नेटवर्क स्विच यूजुअली वर्क्स या यूजेस डैश टू डिटरमाइन द डेस्टिनेशन डिवाइस बिफोर फॉरवर्डिंग अ पैकेट, किस एड्रेस पर काम करता है हमारा नेटवर्क स्विच, ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन से। क्या सीरियल नंबर से, या ईएसएन नंबर से, मैक एड्रेस पर, या बेस एड्रेस पर? तो नेटवर्क स्विच, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, मैक एड्रेस पर काम करता है, ऑप्शन सी, मैक एड्रेस इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ नेटवर्क स्विच वर्क्स एट डैश लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल, नेटवर्क स्विच किस लेयर पर काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है ब्रिज किस लेयर पर काम करता है, कभी पूछ लिया जाता है स्विच किस लेयर पर काम करता है, कभी पूछ लिया जाता है राउटर किस लेयर पर काम करता है, कभी पूछ लिया जाता है रिपीटर किस लेयर पर काम करता है। तो याद रखिए, हब और रिपीटर जो है फिजिकल लेयर पर काम करते हैं, नोट कर लीजिए, हब एंड रिपीटर जो है वो फिजिकल लेयर पर काम करते हैं, स्विच और ब्रिज जो है वो डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, स्विच एंड ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्विच किस लेयर पर काम करता है। तो स्विच और ब्रिज मैंने आपको बताया डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेटा लिंक लेयर, लेयर टू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ नेटवर्क गेटवे डिवाइस कन्वर्ट वन प्रोटोकॉल टू अनदर प्रोटोकॉल टू कनेक्ट टू डैश लैन नेटवर्क और सिंपली नेटवर्क्स। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। यह हमसे कहना चाह रहा है कि नेटवर्क गेटवे जो कि कन्वर्ट करता है एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल को, किसे कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, सेम लैन नेटवर्क के लिए, डिफरेंट लैन नेटवर्क के लिए, आइडेंटिकल नेटवर्क के लिए, या नन के लिए। तो जैसा कि इसमें कह दिया गया है, बता दिया गया है कि कन्वर्ट वन प्रोटोकॉल टू अनदर प्रोटोकॉल, तो जाहिर सी बात है थोड़ा कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो हम बता सकते हैं इसका आंसर होगा डिफरेंट लैन नेटवर्क, ठीक है। यदि सेम आता है तो आप ब्रिज लिखेंगे, और यदि डिफरेंट आता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल पर वर्क करने वाले नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है, गेटवे, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, और ऐसा भी जैसा कि यहाँ दिया गया है कि कौन सा लैन को कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज़ किया जाता है, ऐसा भी आ सकता है। तो ऑप्शन बी, डिफरेंट लैन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए गेटवे डिवाइस का यूज़ किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अ डैश यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लैंस वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। अभी मैंने आपको इसका जवाब बताया कि सेम प्रोटोकॉल पर यदि वर्क कर रहे हैं हमारे लैन तो कौन सी स्विचिंग डिवाइस का यूज़ किया जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन ए ब्रिज, जो कि हमें मिल ही गया है ऑप्शन ए में, ब्रिज का यूज़ किया जाता है सेम प्रोटोकॉल पे यदि लैन वर्क करता है तो, ठीक है। डिफरेंट प्रोटोकॉल पे वर्क करेगा तो गेटवे लगाना है आपको आंसर, और सेम प्रोटोकॉल पर लेन वर्क कर रहे हैं तो कौन सी स्विचिंग डिवाइस यूज़ करेंगे, ब्रिज, ठीक है। तो ऑप्शन ए ब्रिज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ नेटवर्क ब्रिज डिवाइस वर्क्स एट डैश लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बताती हूँ। हब और रिपीटर किस पर काम करते हैं, फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। ब्रिज और स्विच किस पर काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, ठीक है। और राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ब्रिज किस लेयर पर काम करता है, बताइए, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो ऑप्शन बी, डेटा लिंक लेयर इज द राइट आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अ नेटवर्क राउटर डिवाइस कनेक्ट टू और मोर डैश नेटवर्क। राउटर का हम यूज़ करते हैं लैन को कनेक्ट करने के लिए, लैन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, या फिर वैन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, या फिर बोथ लैन और वैन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, या फिर नन। तो जाहिर सी बात है नन तो आने वाला नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ लैन एंड वैन नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेटवर्क राउटर वर्क्स एट डैश लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। राउटर किस लेयर पर काम करता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। जी हाँ, राउटर काम करता है हमारे नेटवर्क लेयर पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो याद रखिएगा राउटर RR इसमें बहुत आता है, नेटवर्क में भी R आपको प्रोनाउंस हो रहा है, ये एक ट्रिक है बता रही हूँ जो मैंने याद की है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। राउटर जो हमारा काम करता है नेटवर्क लेयर पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द एक्रोनिम OSI स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। OSI का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि नहीं है। ऑप्शन बी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जी हाँ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज द राइट आंसर। तो हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन बी OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। लास्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हु डेवलप्ड स्टैंडर्ड फॉर द OSI रेफरेंस मॉडल। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके लाइक, आपके कमेंट, शेयर हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। तो इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे ज़ीनत हसन एकेडमी चैनल पर। तो चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं, हु डेवलप स्टैंडर्ड फॉर OSI रेफरेंस मॉडल, किसने डेवलप किया है OSI रेफरेंस मॉडल का स्टैंडर्ड। एनसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, IEEE ने या ACM ने। तो हमने पढ़ा है ISO OSI रेफरेंस मॉडल, मतलब कि ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं MCQ पर, कंप्यूटर नेटवर्क के MCQ पर, तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।